और वो तो वैसे भी बाबा के मसीहा हैं। वो कब बाबा का मसीहा नहीं थे जुमी, हर वक्त तो बाबा उनकी तारीफ करते रहते हैं। खैर, बाबा कहाँ हैं? बाबा मुझे लगता है किसी काम से गए हैं, अब अभी आ जाएंगे, फिक्र नहीं करें। तुम बाबा को फोन करो ना, मैंने सुबह से बाबा का चेहरा नहीं देखा, प्लीज। आप ही पहले आप खाना खा लें, उसके बाद मैं आराम से कर लूंगी बाबा को। तुमने कसम खाई है ना कि तुम मेरी कोई ही बात नहीं मानोगी? बीमार हूँ मैं, अब तो मान लो। अभी आप ना किसी की भी नहीं सुनती। अच्छा रुके, कर रही हूँ कॉल। जी बाबा, कहाँ हैं आप? आपकी बेटी अनाया ने ना मेरा दिमाग खा लिया है, कब तक आएंगे आप यहाँ? बेटा मैं तो अभी मैडम के ऑफिस में हूँ, तुम बहन के साथ रहो और ख्याल रखो उसका। आपकी बेटी ना मुझसे नहीं संभलती, ये बात करें आप खुद। सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए बाबा। विद इन 2 आवर्स। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? मैं तो समझी थी कि आप जॉब छोड़कर जा चुके हैं। नहीं नहीं मैडम, मैं इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं। मेरी गाड़ी बगैर बताए हुए लेकर चले जाते हैं और कह रहे हैं कि मैं इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं। मैडम बेटी के साथ हुए हादसे की वजह से मैं बहुत डर गया था, मुझे ये भी याद नहीं रहा कि आपकी मीटिंग का टाइम हो गया था। इंसान को अपनी औकात और वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। खैर, आइंदा अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मायर को फोन करके मत बताना। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मेरी सेक्रेटरी को कॉल कर सकते हो। अब तुम चलो, कल वक्त पर, और अगर नहीं आ सकते हो तो अभी बता दो। मैडम मैं मेरी 3 जवान बेटियां हैं और मैं घर का वाहिद कफील हूं, मैं कल आ जाऊंगा। बाबा गुड। आप ही क्या हुआ? कुछ नहीं। छोड़े ये सब, पहले खाना खा लें, बाद में करिएगा। आप ही, आपसे कुछ बोल रही हूं मैं। ये लें, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ।